पूरे देश में जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आयुष्मान कार्ड का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश में किया गया। इस आशा और विश्वास के साथ कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर काम होगा, इस देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार हर समय तैयार है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सभी नगर पंचायतें नगर पालिका परिषद में इसका सीधा प्रसारण जनता को दिखाने के साथ विश्वास दिलाया गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए एक बार फिर एक बेहतर शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सभी तबके के लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्य किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इसे पूरे देश में आयुष्मान कार्ड का शुभारंभ किया गया, उसी को लेकर मुरादाबाद की नगर पंचायत कांट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगर पंचायत उमरी कला के चेयरमैन हाजी उस्मान अली की अध्यक्षता में आयुष्मान कार्ड के शुभारंभ के अवसर पर आयुष्मान कार्ड कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिस पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हाजी उस्मान अली ने 15 मरीजों को गोद लिया, जिस पर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर राघव की उपस्थिति में चेयरमैन हाजी उस्मान अली के द्वारा 30 मरीज को राशन वितरण किया गया, जिसमें चना पोषाहार रिफाइंड वोमिटा पार्ले जी कई तरह की सामग्री किट में शामिल थी। खाने की सामग्री लेने वालों में टीवी के मरीज और गर्भवती महिलाएं काफी संख्या में थी। जनपद मुरादाबाद के प्रशासन का कहना है कि सभी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में इन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर काम होंगे। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले। सभी स्टाफ ने, मुझे भी गर्व है कि मैं किसी गरीब के कुछ करने के लिए हमेशा, आप सब लोग जानते हैं पूरे क्षेत्र के, कि हमेशा हर वक्त मैं तक तैयार रहता हूँ। और जो भी सरकार की स्कीम हो या पर्सनल तरीके से जो भी गरीब की मदद करने का मसला हो, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ और डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई ज़रूरत किसी गरीब के आंसू को पोंछने के लिए हो तो वो मुझे याद करें। इंशाल्लाह मैं 24 घंटे उन गरीबों की समस्याओं के लिए, उनके मसले के लिए, उनकी आर्थिक मदद के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ, तैयार रहूँगा। आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और वक्त वक्त में जब भी आपका जो भी आदेश होगा मैं इन गरीबों के लिए इंशाल्लाह करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो भी दिया जा रहा है इस तरीके से इतना कब खाना है, ऐसा नहीं कि एक दिन में खाना है, थोड़ा तोड़ कर खाओगे तरीके से शरीर को लगेगा, दवा भी असर करेगी। जब उसका आहार सही नहीं रहता तो दवा असर नहीं करता, उसका असर करता है।